हाँ जी, कैसे हो आप सब? वेलकम टू आलोक जेटली चैनल। आज मैं आपको डबल चुन्नी बता रही हूँ, और ये चुन्नी मैं कोई ब्राइड के नहीं बता रही हूँ, दुल्हन के नहीं बता रही हूँ। ये चुन्नी आप डबल चुन्नी किसी भी लहंगे के साथ, जैसे आपके पास लाइट सा लहंगा है उनके साथ अगर आप डबल चुन्नी लेते हो तो बहुत ब्यूटीफुल लगता है। तो ये अगर आपके घर में शादी है तो भाभी, नन, दीदी कोई भी अगर लहंगा लाइट सा पहने तो डबल चुन्नी ले सकती हैं। आजकल डबल चुन्नी का काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ है, और इनका आप लहंगा देख सकते हो, ठीक ठीक है और इतना लाइट भी नहीं है। तो इसमें इनकी डबल चुन्नी मैंने मंगवाई थी। तो सबसे पहले मैंने प्लीट्स ले ली है, जो मेन चुन्नी थी उसकी, तो उसकी प्लीट्स लेके पतली पतली लेनी है, बिल्कुल बॉर्डर के इतनी, और उसको राइट हैंड शोल्डर पे इस तरह से टक कर देना है, बहुत पतली लेनी है। आप चाहो तो जब चुन्नी को सेट कर रहे हो उसमें बीच बीच में आप पिन लगा लो, और उसको इस तरह से ब्लाउज के मतलब नीचे सेट करनी है, ब्लाउज के शोल्डर के नीचे, है ना, और फिर एक मिड में करनी है और एक आपको नीचे करनी है। इस तरह से तीन चुन्नी अगर आप सेट कर दोगे तो काफ़ी अच्छे से, क्योंकि नेट की चुन्नी होती है ना, ये भागती ज़्यादा है, तो इसको आप तीन पिन से कर दो। और जो पतली पतली जो महीन वाली सेफ्टी पिन आती है ना, उनसे आप नीचे तक ले आओ तो सिर्फ बॉर्डर बॉर्डर दिखे तो काफी खूबसूरत आएगा। फिर मैं इसको यहां पर सेट कर दे रही हूँ। आयरन का ना थोड़ा सा ब्लाउज भी ढीला था, तो उसको टाइट करने के लिए, उसको अच्छी सी फिटिंग आ जाए, तो मैंने जो पिन लगाई थी वो ब्लाउज के अंदर से और चुन्नी दोनों को अटैच करके मैंने पिन लगाई थी। अब मैं क्या करूँ, जो ये चुन्नी है इसमें पतली पतली प्लीट्स ठीक से सेट कर दे रही हूँ। आप चाहो तो पहले से सेट कर लो, और यहाँ पर भी एक पिन लगा दे रही हूँ, जैसे ये फैले ना, नेट की चुन्नी है। और इनका क्रीम कलर का था, येलो क्रीम था, और उसमें मैंने मजेंटा चुन्नी ये इनके साथ की थी। फिर एक जो है गोल्डन चुन्नी भी लगाई है, और जो बाकी चुन्नी का कपड़ा है वो बैक में इस तरह से लाई हूँ, और इस तरह से ला करके कमर के पास मैंने पिन से टक कर दिया है। और ब्लाउज में तो आजकल वर्क रहता है तो फ्रंट से खुला हुआ अच्छा भी लगता है, तो ये मैंने बैक में टक कर दिया है। और मेरी थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम है तो इसको प्लीज़ इग्नोर करिएगा, लाइट थोड़ी प्रॉपर नहीं है। और फिर बैक में मैंने इसको इस तरह से टक कर दिया, और एक पिन और लगा दी कि कमर के पास। अगर आप कहोगे तो इनका मेकअप लुक भी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो अपने कमेंट्स के द्वारा ज़रूर बताइएगा। और ये फाइनल इनका इधर का हो गया है ना, एक चुन्नी ये सेट हो गई। इसको अच्छे से पिनअप वगैरह कर देंगे, क्योंकि हमने कहा ना कि ब्लाउज थोड़ा सा लूज है, तो जो इस तरह से मैं पिन जो है उससे लगा दूंगी ब्लाउज से अटैच करके। फिर अभी जो सेकंड चुन्नी ना, इसको मैं क्या करूँगी, इसको डबल कर लूँगी, जहाँ पर जो इस लंबाई है, लेंथ है, उससे ऐसे इस तरह से डबल कर लिया, ठीक है। अब जो लेंथ का बीच का हिस्सा आया, ये वाला बीच का आप देख रहे हो, ये बिल्कुल हम इनके उस पे रख देंगे, जूड़े के ऊपर, क्योंकि इनको सर से चुन्नी लेनी थी और ये बहू हैं तो बोली मेरे को सर से चुन्नी लेनी, तो मैंने इस तरह से किया। अब इसको सेट करने के लिए एक फिर सेफ्टी पिन लूंगी, और जो मैंने पफ बनाया है ना, आप भी इस तरह से क्या करो, पफ के साथ अटैच करके चुन्नी को इस तरह से सेट कर दूंगी, ठीक है। अब इसके बाद ये एक तो ये इससे ना बिल्कुल भी आपकी चुन्नी है, अगर आप साड़ी भी पहने हो तो आप उससे जूड़े से अटैच कर दो पिन के साथ, तो बिल्कुल भी आपका पल्लू हटेगा नहीं। आप साड़ी का है, चुन्नी का है, सलवार सूट का है, जिसका भी पल्लू आप लेना चाहते हो इस तरह से आप ले सकते हो। फिर उसके बाद यू पिन से सेट कर देंगे, यू पिन भी जरूर लगाएंगे, और दो यू पिन लगाएंगे, जहाँ पर आपने बीच में सेफ्टी पिन लगाई है उसके एक इधर राइट और एक लेफ्ट, दो यू पिन जरूर लगाओ, तो उससे आपकी चुन्नी बिल्कुल भी जो है हिलेगी नहीं, क्योंकि इनको डांस वगैरह करना था, इनके देवर की शादी है, तो बोली कि बिल्कुल मेरी चुन्नी हटनी नहीं चाहिए, तो उस तरह से मैंने की। अब मैं इसमें दो तीन तरीके से दिखा रही, एक तो खुली हुई इस तरह से, क्योंकि इन्होंने बोला थोड़ा खुला खुला, तो लेकिन वो खुली हुई ज़्यादा फिर डांस करने में सही नहीं आती। फिर मैंने डबल किया। अब मैं क्या करूँ, ये सब ना कर करके मैं इसमें भी प्लीट्स बना दे रही हूँ, महीन महीन प्लीट्स, पतली पतली प्लीट्स बना दे रही हूँ, ये भी मेरे को कम अच्छा लगा, तो अब मैं इसमें चुन्नट दे दे रही हूँ। और बस क्योंकि चुन्नी भी ना छोटी सी है, सर पे लेनी थी, तो इस तरह से। अब आप इस तरह से डबल चुन्नी का अगर आप लहंगा या साड़ी पहनते हो तो वाकई बहुत खूबसूरत लगता है। और आजकल साड़ियों में भी ना डबल चुन्नी चले, मतलब साड़ी के साथ भी चुन्नी चल रही, अगर आप कहोगे तो मैं उसका भी वीडियो डाल दूंगी, अपने कमेंट्स के द्वारा बताइएगा। साड़ी के साथ चुन्नी का लुक इतना सुंदर आता है, बिल्कुल डिफरेंट, और बहुत ही स्टाइलिश लुक भी आता है। उसके बाद मैं वहाँ पर शोल्डर पे पिन लगा दूंगी, फिर एक नीचे अटैच कर दूंगी इसके थोड़ा सा नीचे, जैसे बिल्कुल भी इनकी चुन्नी, दोनों चुन्नी बिल्कुल सरके ना, तो ये इनका फाइनल लुक हो गया है। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स जरूर करिएगा। और एक पिन मैं पीछे भी लगा दे रही हूँ, जैसे ब्लाउज के साथ,
ये देखो कि इनको कुछ भारी भी ना लगे, और बिल्कुल क्योंकि काफ़ी डांस करना है, भाभी हैं, भागना दौड़ना है, तो ये इनका फाइनल लुक हुआ है। और आप मुझको इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टा की मेरी आईडी ये है। अगर आपके कुछ भी क्वेश्चन हैं तो आप मुझसे इंस्टा पे पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और जो मेरा सेकेंड चैनल है सीमा जेटली का, उसको भी आप जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लो। उसमें मैं मंडे को 3 बजे लाइव आती हूँ दोपहर में, तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। उसमें भी आप अपने कुछ भी क्वेश्चन आंसर हैं आप मुझसे पूछ सकते। तो ये इनका फाइनल लुक हुआ है। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।